अडानी समूह घोटाला आरोप के बचाव में उतरे न्यूज एंकर सुशांत सिन्हा, जनता ने दिया करारा जवाब। सरकार में 40 साल रहा, इसलिए जानता हूं कि LIC को बड़े निवेश के लिए वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री की मंजूरी चाहिए होती है। मुझे नहीं पता कि क्यों ये लोग ऐसी संस्था को बर्बाद करने पर तुले हैं जो मध्यम वर्ग के लिए बेहद अहम है। जवाहर सरकार राज्यसभा सांसद यानी तृणमूल कांग्रेस। LIC में करोड़ों आम भारतीयों का पैसा लगा है, ये सिर्फ पैसा नहीं सपने हैं, उनका सुरक्षा कवच है। इस तरह मार्केट में अफवाहें फैलाकर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। एक उद्योगपति से आपकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन उसका बदला करोड़ों आम लोगों की जिंदगी से खेलकर मत लो। सुषमा पांडे। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल एजेंसी हिंडनबर्ग ने पिछले हफ्ते मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी कर अडानी समूह की कंपनियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। इनमें गलत तरीके से कंपनियों के शेयरों में उछाल लाना, फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला कारोबार और ऑडिटिंग को लेकर कुल मिलाकर 88 सवाल पूछे गए। ऐसे में सवाल LIC को लेकर भी उठ रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के 28 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारक हैं। उनसे मिली रकम को LIC शेयरों, सरकारी बॉन्ड समेत कई संपत्तियों में निवेश करता है। इस निवेश से मिली रकम को वो वापस अपने पॉलिसी धारकों को देता है। LIC के पॉलिसी धारकों में एक बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों का है। इसलिए माना जाता है कि LIC अपना निवेश पोर्टफोलियो इस तरह तैयार करेगी जिससे अधिक जोखिम न उठाते हुए पॉलिसी धारकों को उनकी रकम मुनाफे के साथ वापस मिल सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अडानी समूह में LIC के भारी निवेश पर चिंता जताई थी और आरोप लगाया था कि LIC ने लोगों की बचत को वित्तीय जोखिम में डाल दिया है। LIC ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया है कि पिछले कई वर्षों में उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों के 30,127 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं और 27 जनवरी को उनका बाजार भाव 56,142 करोड़ रुपए था। शेयर्स और कर्ज को मिलाकर 31 दिसंबर 2022 तक अडानी समूह की कंपनियों में उसका कुल निवेश करीब 35,917 करोड़ रुपए था। अभी LIC का अडानी समूह में कुल निवेश 36,474 करोड़ 78 लाख रुपए है। LIC ने कहा कि उसका कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 41,66,000 करोड़ रुपए का है और इस तरह अडानी ग्रुप में उसका निवेश कुल बुक वैल्यू का 0.975% ही है। इस बीच एंकर सुशांत सिन्हा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इस मामले की तुलना नेहरू सरकार से कर रहे हैं। सुशांत सिन्हा ने अपने न्यूज की पाठशाला में कहा कि नेहरू सरकार में भी इस तरह का घोटाला हो चुका है, इसलिए आप लोगों की बातों में ना आए। सुशांत सिन्हा के इस बयान पर जनता ने उन्हें सुना दिया है। सीनियर कार्टूनिस्ट राकेश रंजन ने सुशांत सिन्हा को ट्रोल करते हुए कहा, भक बकलोल, नेहरू ने क्या किया इससे अभी का क्या बदलने वाला है। तुम खुद आज में जी रहे हो, आज की बात करो ना यार। आज की नाकामी को बीती बातों से तुलना करके चीजें सुधर जाएंगी क्या। एक ट्विटर यूजर अखिंद्र यादव ने लिखा, इसका मतलब है कि ये घोटाला जायज है क्योंकि घोटाला पहले भी हो चुका है। कैसे धूर्त पत्रकार हो, घोटाले को भी जस्टिफाई कर रहे हो। खुर्शीद नाम के एक शख्स ने कहा, आज के फ्रॉड को डिफेंड करने के लिए फिर नेहरू के जमाने में चले गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये सवाल विपक्षी दलों की ओर से उठाया जा रहा है कि LIC और SBI जैसी सरकारी संस्थानों से अडानी ने भारी रकम में कर्ज लिया है और ये कंपनियां घाटे में जाती दिखाई दे रही है, इसलिए आम जनता का पैसा भी डूब सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।